बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी इंसान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता। हम तो किसी को माफ नहीं करते। 50,000 रुपया के चलते अपने बच्चों का लाश नहीं ले जा पाया, लाश सड़ गया, पप्पू यादव को जाना पड़ा। लगातार घटना, ये हिम्मत आ कहां से रही है अपराधियों के भीतर? ये स्मैक बेच कौन रहा है? ये शराब बेच कौन रहा है? ये ड्रग्स और कॉरेक्स बेच कौन रहा है? हर बगल में स्मैक, कॉरेक्स, ड्रग्स। व्हाट? अमित शाह का बेटा का ईडी में कितना पैसा लिया, उसका करने में क्या दिक्कत है? अरे ईडी से बात करनी हो तो अदानी का करो ना। ईडी का करना है मोदी जी तो आप अपने पूरे मंत्रिमंडल की पहले तैयारी करो ईडी के लिए। और बीजेपी को अरबों खरबों दुनिया का कई गुना कई लाख टाइम ज्यादा पैसा कहां से आया उसकी जांच करा लो। ईडी करना हो तो निर्भय का करो ना, ईडी करना हो तो मालिया का करो ना। औकात क्यों नहीं होता सारे जो जिसको भगा दिया उसको लाने की? जो पैसे लेके भाग गए, जो भारत का पैसा, बस उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा यह होगी कि 2024 में इसको चैलेंज कौन करेगा उसको डराओ। यदि राष्ट्रपति का चैलेंज है तो उसको डराओ। इतना डर 8 साल के बाद राहुल गांधी से क्यों? कांग्रेस यदि खत्म हो गई, राहुल गांधी का कोई मैटर नहीं है तो फिर डर क्यों? अब क्या आप लोकतंत्र में गलत चीजों का प्रतिकार और अपना विचार अपनी बात रखने का राइट नहीं है? आज जो आप रखना चाहिए किस थाने में ले गए सारे एमपी और सीएम को, आप जंगल के थाने में उठा करके हिटलर के तरह, नेपोलियन और चंगेज खान के तरह सरकार मत चलाइए। दुनिया जब अपने पर आती है ना तो बड़ी बड़ी हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खान और किंग जॉन का इतिहास मिट जाता है। नरेंद्र मोदी जी, जीने दीजिए आम आदमी को। कब तक भगवान और हिंदू मुसलमान का सहारा लेके ताजमहल के नीचे और मस्जिद मंदिर के नीचे, कुतुब मीनार के नीचे बुद्धा उठ बनाइएगा? इसकी सरकार को नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि यह टेंडर अदानी को मिलना चाहिए। वहां के सदन में यह सब बात आई। एक व्यक्ति को दुनिया का नंबर वन बनाने के लिए आप 8 साल लगा दिए, एशिया का नंबर वन बना दिए और आप दुनिया का नंबर वन बनाएंगे? 1-4 में आ गया सिर्फ अदानी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, पर एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।